हेलो, कैसे हो आप साहब। तो देखो, हमारा केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर थे या जो सीरीज थी वो तो चल ही रही है, ठीक है। तो साथ में हमने सोचा कि क्यों ना बीच में टाइम को यूटिलाइज किया जाए, तो इसीलिए आज हम एक नए चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि फिजिक्स का हमारा एक नया चैप्टर होगा, और उसका हम आज से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे साइड बाय साइड। किसके साइड बाय साइड? केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग समाप्ति की ओर ही है। अभी सिर्फ लास्ट के हमारे पास तीन टॉपिक बचे हैं। एक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, जिसका आधा पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक है हमारे पास क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एक हमारे पास कौन सा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एक कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। और अगला जो लास्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो वो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम रेजोनेंस को मेनली हम कहाँ कवर करते हैं? वो हम कवर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको आपके बुक में 14th चैप्टर के नाम से दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो उसमें आधा हम कवर करते हैं, इसमें हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या होता है करके। इसी के साथ साथ आज का हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट दो चैप्टर हमने एकदम विस्तार में खत्म कर चुके हैं, राइट। मेरे ख्याल से आपने उतना भी पढ़ के एकदम मस्त रख दिया रहेगा। आपके एग्जाम्स एग्जाम्स में वो चैप्टर आ चुके हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं भी लाइन वाइज चल रहा हूँ। आज का हमारा जो तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है, आप सबको पता चल ही गया रहेगा अभी तक, तो मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और ये मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन जानने से पहले हमें यह जानना है कि मोशन क्या होता है, ठीक है। तो उससे शुरू करते हैं हम लोग हमारी बातें। तो आज का हमारा हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या आएगा? अरे कीड़ा। हेडिंग आएगा मोशन। मोशन से शुरू करेंगे। क्या होता है मोशन, उससे शुरुआत करेंगे। तो मोशन का आसान भाषा में मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन चेंज कर रही है समय के साथ। समय मतलब टाइम। अगर इंग्लिश में बोले, एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज क्या? मोशन। इट इज नोन एज मोशन। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स मोशन या इट्स पोजिशन विथ द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज मोशन। इज कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी अभी जीवन में देखा रहेगा कि एक बच्चा रहता है, छोटी गाड़ी लेके आता है, नई नई, तो टुर 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 चावी लगाता है उसमें, और वो चावी जैसी उसमें लगती है तो वो गाड़ी सीधा ऐसा रुर करके चलना चालू कर देती है, राइट। तो एक मोशन कौन सा हो गया? हमारे पास मोशन तीन प्रकार के आते हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। सबसे पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगला आता है मोशन इन अ प्लेन, और अगला आता है मोशन इन अ स्पेस टाइम, इन अ स्पेस, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं 3D, इसको हम जानते हैं 2D, और इसको हम जानते हैं 1D, ठीक है। ऐसे तीन प्रकार के हमारे पास मोशन आते हैं। थ्री टाइप्स देर आर, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक। कौन से तीन प्रकार है? तो हमारे पास तीन प्रकार मोशन के कौन से आ गए? सबसे पहला आया हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा आया मोशन इन अ प्लेन, तीसरा आया मोशन इन अ स्पेस। डरो मत, सब समझाऊंगा, सुनते जाओ। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, हम धीरे धीरे करके करके आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा है, वो गाड़ी लेके आया, राइट। तो उसमें क्या किया? चाबी लगाया। तो वो गाड़ी कैसे भागी? कैसे सीधे सीधे जाती रहेगी। तो मान लेते हैं ये है वो रास्ता, और यहां पे वो बच्चे ने गाड़ी लाके रख दिया, और ये उसके पहिए।
जैसे इसमें चाबी लगाई तो या तो गाड़ी आगे जाएगी या तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। अब वो डिपेंड करता है बच्चे ने गाड़ी रखी कहाँ है, या तो उस तरफ फेस करके रखा है या इस तरफ फेस करके रखा है। जहां पे भी फेस करेगा गाड़ी उस तरफ चलेगी, राइट। अगर इस तरफ रखा है तो गाड़ी इस तरफ चलेगी। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं दूसरे प्रकार का मोशन। दूसरे प्रकार का मोशन जैसे अभी आप लोग को मतलब एग्जाम आ रहे तो थोड़ा सा बीच में कभी हाईलाइट देख लेना, ठीक है, बाकी ऐसा पूरा मैच देखने मत बैठना। हाँ सर मैच की बातें कर रहे हो, हाँ हाँ मैच की बातें कर रहे हैं, सुनो तो सही। तो जैसे कि अभी आने वाला है हमारा वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में हो रहा है इस साल, राइट। अलग अलग देश आ रहे हैं खेलने के लिए। अभी तो इसका मैच भी हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो इंग्लैंड हार गई न्यूजीलैंड जीत गया, राइट। आपको तो मेरे ज़्यादा पता रहेगा, मैं तो कहाँ देखता हूँ, मेरे को तो मेरी मम्मी बताती है, कह रहे आज ये आउट हो गया। मैं बोला अच्छा अच्छा, मेरी मम्मी मेरे घर में मैच देखती है। यस हाँ, तो हम किस टॉपिक पे थे, हम इस टॉपिक पे थे कि मान लो अभी क्रिकेट का सीजन आ रहा है और क्रिकेट के सीजन में क्या हो रहा है कि अभी कोई भी एक बैट्समैन जो रहेगा ऐसा क्रिकेट खेलेगा और क्रिकेट खेलेगा करके एक शॉट मारेगा। शॉट मारने से मेरा मतलब क्या है कि सिक्सर मारेगा। अब उसने क्या किया, बैट्समैन ने एक बॉल को मारा और वो बॉल कैसे गया, मान लो यहाँ पे वो बैट्समैन हमारा खड़ी था, खड़ा था ऐसा मस्त हमारा गबलू बबलू, और इसके हाथ में वो बैट है, ऐसा बैट पकड़ के खड़ा है ऐसा। सर ये कैसा बैट है, मेरा बैट है, मर्जी मेरी, ठीक है। हाँ तो इसने इस बैट से गेंद को मारा, अब वो गेंद ऐसे करते हुए सिक्स मार जाती है, आप सबने देखा रहेगा, राइट। अब उसके बाद ऐसा भी तो होता है। अभी तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल ये है कि एक एरोप्लेन को आपने कभी भी देखा रहेगा तो एरोप्लेन ऐसा चलता है ना, तो एरोप्लेन पहले चलता है चलता है चलता है चलता है और फिर वो एक जगह से उठ के, एक जगह से उठ के दूसरे जगह पहुंच जाता है, राइट। अब ये ऐसा मोशन तो करता है नहीं, वो कैसा मोशन करता है, पहले ऊपर उड़ेगा फिर सीधा जाएगा और फिर नीचे उतरेगा इस प्रकार से। तो आप तीनों देख सकते हो, तीनों में कुछ कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम कार वाले की बात कर लेते हैं, टॉय कार की। तो ये टॉय कार या तो सीधी जाएगी या तो ऐसी जाएगी। अब मान लो उस बच्चे के पास एंटी ग्रेविटी वाली टॉय कार है तो वो या तो दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ेगी या तो ऐसे उतरेगी। यही होता है एंटी ग्रेविटी के, दीवार के ऊपर चढ़ना चालू कर दे, राइट। तो इस केस में जो मोशन हो रहा है वो मोशन हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जब बैट्समैन ने बॉल को मारा तो गेंद उड़ के गई ऐसे ऐसे, राइट। अब ये जो मोशन हुआ इसमें दो प्रकार के एक्सेस आए, एक तो गेंद ऊपर भी गई, दूसरा गेंद आगे भी गई। तो ये मोशन अगर मैं आपको दोनों अलग, ये जो गेंद इसको मैं दोनों अलग करके दिखाऊं, तो ये कुछ प्रकार से होता है, ये नीचे से जा रहा है, ध्यान देना। देखो ये एक गेंद थी, ये ऐसे गई, ये गेंद ऐसे गई। अब इस गेंद के दो टुकड़े कर लेते हैं, तो दो टुकड़े का मतलब इसको मैंने ऐसा तोड़ दिया, अब ये नीचे वाला टुकड़ा आगे जाएगा, ऊपर वाला टुकड़ा ऊपर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा देखो ध्यान से, ऐसा कि ये ऊपर चल रहा है, ये वाला टुकड़ा ऊपर चलता है, ये वाला एक टुकड़ा ऊपर और ये एक नीचे, तो ये ऐसा और दोनों वापस नीचे मिल जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक मोशन कैसे होता है, दोनों को मिला दो ऐसा, ठीक है। तो यहां पे गेंद का क्या हुआ कि गेंद ऊपर भी जा रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी जा रही है और एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, जब वो दो मोशन दो एक्सिस में जाए या दो डायरेक्शन में जाए, ऐसे को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन। मैं डर गया, मैंने लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, इसके लिए मैं देखने गया था। हाँ ऐसे लोग को क्या कहते हैं हम, मोशन इन अ प्लेन। अगला जो आता है वो कौन सा आता है, हम मान के चलते हैं जैसे कि एरोप्लेन। तो एरोप्लेन पहले उड़ता है फिर ऐसा सीधा हो जाता है फिर नीचे उतरता है। तो एरोप्लेन वाला जो मोशन रहता है वो थ्री डायमेंशन होता है। कैसे थ्री डायमेंशन होता है, बिकॉज उसकी खुद की भी तो एक वस्तु होती है, उसका खुद का भी तो एक हाइट वगैरह लेंथ वगैरह होता है, तो वो तीन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। उसको आसान भाषा में हम कहते हैं मोशन इन अ स्पेस, मोशन इन अ स्पेस। तो जो चीज एक ही डायरेक्शन में होती है इसको कहते हैं 1D,
जो दो डायरेक्शन में हो रही है, x, x और y, उसको हम क्या कहते हैं 2D, और जो तीन डायरेक्शन में हो रही है कि x में भी आगे जा रहा है, y में भी जा रहा है और z में भी जा रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मोशन इन अ स्पेस, जिसको हम कहते हैं 3D मोशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको जो मेनली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बीच वाला, मोशन इन अ प्लेन, बिकॉज चैप्टर का नाम ही वही है, मोशन इन अ प्लेन। लेकिन आपको इससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पता होनी चाहिए, जो आप ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में, लोअर क्लास मतलब 10वीं में 9वीं में पढ़ चुके हो, हम फिर भी बताएंगे, टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले चर्चा किसकी चालू करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन की, फिर हम धीरे धीरे आगे कहां बढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन में। सर ये कहां पढ़ेंगे, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट या फिर अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर में, हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अभी सबसे पहले हेडिंग डाल लो, ये इतना लिख लिया, नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट, चलो अब हेडिंग डालो रेक्टिलिनियर मोशन। क्या हेडिंग डालना है, रेक्टिलिनियर मोशन। शुरू करें रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, क्या कहता है हमसे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन हमसे यह कहता है कि, मेरे ख्याल से एक ही एल है, ठीक है चलेगा, स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेना, मतलब मैं भी बता ही रहा हूं, उसका टेंशन मत लो। ठीक, क्या कहना चाहता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन यह कहना चाहता है कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो था पहले कहां, जो मान लेते हैं पहले यहीं पे लिखते हैं, जो पहले था मान लेते हैं कोई तो एक पॉइंट x1 पे था और फिर वहां से चल के कहां पहुंच गया x2 पे, कोई एक पॉइंट पहले कहां था x1 पे और फिर कहां पहुंच गया x2 में। ठीक है, और कितने टाइम में पहुंचा, तो मान लेते हैं टाइम t1 से उसको लगा टाइम t2 तक, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में या ये इतना पोजिशन उसका चेंज करने में, x1 से x2 पोजिशन चेंज करने में उसको कितना टाइम लगा, t1 से t2। ठीक, अब इसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। इतनी बात समझ में आई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2-5 मिनट के लिए पूरे कान नाक सब एक साथ खोल के बैठना और ध्यान इधर पे, दो टॉपिक एक साथ समझेंगे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो लोअर क्लासेस हो हायर क्लासेस हो, ऑलवेज उनको फर्क नहीं समझ में आता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, ध्यान है, शुरू करें, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक हमारा गोलू नाम का एक आदमी था, गोलू नाम का आदमी खड़ा है कहीं पे, तो यहां पे इस जमीन पे खड़ा है। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। मान लेते हैं यह है ओरिजिन, क्या है ओ, ओ मतलब ओरिजिन, ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, वहां पे खड़ा हुआ है। अब ये भाई साहब यहां से आगे चला और पहुंच गया इस पॉइंट पे, यहां पे आ गया वो, और मान लेते हैं इसमें उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। कितना डिस्टेंस या कितना, कोई तो एक पोजीशन उसने चेंज किया और कितना उसने ट्रेवल किया, कोई तो लेंथ 5 मीटर लेंथ ट्रेवल किया, सीधी लाइन में चला है। आप मैं हम सब सीधी लाइन में चल सकते हैं, हमको ऐसा उड़ी मार के चलते नहीं है, राइट। तो ये सीधी लाइन में चला है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चला है। क्या कहना चाहते हैं हम, स्ट्रेट लाइन में चला है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में चला है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है ना कि हम लोग कौन सा डायरेक्शन कवर करते हैं, सिर्फ या तो एक्स वाला या तो वाई वाला, या तो आपके पास हो शाहरुख खान जैसे, जिसको बादशाह मूवी में उसके पास थे बूट्स, तो वैसे बूट्स आके आप दीवार पे चलने लगे,
या तो आप एक सीधा जमीन पे ही चलोगे नॉर्मल इंसान की तरह। तो इसने इधर से इधर तक चला। अब अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं ये जो डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं, और इस तरफ क्या होगा पूरा का पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन कहां है? इधर पे। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस ध्यान रखना। अब ये इधर से इस तरफ चला है, ओरिजिन के कहां चला है? ये राइट हैंड साइड में चला है। राइट हैंड साइड में चला है मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चला है। तो इसने कितना अपना लेंथ कवर किया? इसने लेंथ कवर किया 5 मीटर। ध्यान देना, इसने लेंथ कितना कवर किया? 5 मीटर। जब इसने लेंथ 5 मीटर कवर किया तो यहां पे एक दो वर्ड आते हैं आपके सामने। सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आता है डिस्टेंस। जब स्ट्रेट लाइन में वो मोशन करता है और सिर्फ हम अभी मान के चल रहे क्या, सिर्फ वो आगे चला है, तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो इसका डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं पाथ लेंथ, तो वो कितना है? 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, अब ये सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझाएंगे, पहले अभी के लिए सुनिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इधर से स्ट्रेट लाइन में चला, कोई और रास्ता नहीं था इधर तक आने का, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 5 मीटर। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? 5 मीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से वो थोड़ा और आगे गया, यहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच के मान लो ये पॉइंट ओ था तो इसको ए मान लेते, इसको बी। इसने वापस कितना कवर किया? 5 मीटर कवर किया। तो अगर मैं अभी टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ मतलब टोटल लेंथ यानी कि ओरिजिन से काउंट करना है टोटल लेंथ। तो ओरिजिन से वो कितना चला है? यहां से पहले 5 फिर वापस 5, तो 5 + 5 = 10 मीटर। ये हो गया उसका टोटल लेंथ, कितना हो गया? 10 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच में कितना चला, तो ए और बी के बीच में कितना चला? वो 5 मीटर। ये आपको आ जाएगा, पल्ले पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको वापस दो चीजें बतानी है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप सबके मन में यह ख्याल आया होगा और सही आंसर है आप सबका कि स्ट्रेट लाइन में चला है तो डिस्टेंस कितना? 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 10 मीटर। ध्यान से देना, अभी सुनना ध्यान से, अभी कॉन्सेप्ट सारे खुल जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि यहां से इसको याद आया कि मैं कुछ भूल गया हूं घर पे, ओरिजिन मतलब उसका घर वगैरह रहेगा। तो ये बबुआ यहां से वापस अपने घर की ओर चला, लेकिन बीच में उसको पॉइंट ए के पास ही उसका एक दोस्त मिल गया। क्या मिल गया उसको? अपना एक दोस्त मिल गया। अब नामकरण कर देते हैं इसको पॉइंट सी। क्या नामकरण कर दिया मैंने? पॉइंट सी नामकरण कर दिया। तो यहां से वो वापस पहुंच गया। अब कहां गया वो? उल्टी डायरेक्शन में गया। ध्यान से देखना, देखो यहां पर भी वो पॉजिटिव में चला था, अब रिटर्न गया है। रिटर्न गया है मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है वो? नेगेटिव डायरेक्शन में। आप तो बोलोगे सर ओरिजिन के बाद होता है, एक्चुअल में अगर वो उल्टा चल रहा है तो हम क्या मान लेते हैं कि जहां पे वो था, सुनो सुनो, जहां पे वो था वहां पे उसका ओरिजिन, और वहां से वो किस दिशा में गया है। जैसे पहले वो ए पॉइंट पर रुका था, अब ए पॉइंट से वो आगे जा रहा है कि पीछे? तो ए पॉइंट से आगे जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक, अब अगर वो बी पॉइंट पर रुका है, बी पॉइंट पर पहुंचने के उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है, तो बी पॉइंट को हम मान लेंगे एज ए ओरिजिन, और वहां से वो आगे गया कि पीछे? तो वहां से वो कहां गया? नेगेटिव की तरफ। अब यहां पे सवाल ये आता है कि मेरे को आपको बताना है कि डिस्टेंस इस बार कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये दो चीजें आपको बतानी है। चलो आप सबको लग रहा होगा 5 5 5 15 15 दोनों के दोनों। ठीक है, तो हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। सुनो ध्यान से, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, टोटल का मतलब 5 मीटर 5 मीटर और ये भी 5 मीटर काउंट होगा। तो डिस्टेंस कितना? 5 + 5 + 5 = 15 मीटर।
सवाल है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टेस्ट, मैंने बोला था ना अभी समझाऊंगा तो आप समझते हैं, शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली वो कहां था, यहां पे। अब वो कहां पहुंच गया है, इस पॉइंट पे। सही बात है आपकी कि पहले चला 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 फिर आया, तो ये तो पूरा होना चाहिए था ना। तो अगर वो पूरा होता तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। चलो कैलकुलेशन करते हैं। पहले पांच चला, तो पांच चला मतलब फाइव प्लस, फिर और पांच चला ए टू बी में फाइव, और फिर अभी वो पांच नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया मतलब इस डायरेक्शन में गया, तो माइनस फाइव। तो आंसर कितना, 5 मीटर। सही सवाल है, आप सबके मन में सही सवाल आया है कि आपने ऊपर माइनस क्यों नहीं किया, नीचे माइनस क्यों किया। आप सबने सही सोचा कि भैया ऊपर माइनस क्यों नहीं किया, नीचे ही क्यों माइनस किया। वो इसीलिए, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है, डिस्टेंस हमेशा एड होता है, डिस्टेंस हमेशा एड होता है, ये एडिटिव होता है, और ये डिपेंड करता है आप कहां हो, डिपेंड करता है आप कहां हो, ये हमेशा ऐड नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत में कहां थे, अंत में कहां हो। ठीक है, अगर आपको इतना सब नहीं सोचना तो आप ऐसा सोच लो कि यहां पे था, फिर वापस घूम फिर के तो यहीं पे आ गया ए पे, तो कितना डिस्टेंस इसके बीच में, 5 मीटर, वही लिखा है। अगर ये भी ना समझ में आए तो आप ये सोचो कि यहां पे था, फिर घूम के कहां आ गया, यहां पे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। समझे, इस हिसाब से। अब सवाल यह है कि क्यों भैया यहां पे माइनस, क्यों यहां पे प्लस। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है वेक्टर और स्केलर। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसको कहां से कहां भेजा है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड यहां पे क्या था, 5 5 5, राइट। वेक्टर को इस बात से फर्क पड़ता है कि कहां से कहां भेजा है, क्या पॉजिटिव में चल रहे हो, क्या नेगेटिव में चल रहे हो। तो वेक्टर को हमने क्या किया, 5 पहले पॉजिटिव में चलाया, लो यहां पे मैं प्लस लिख देता हूं, फिर वापस पॉजिटिव में चलाया 5, अब अगली बार हमने उसको नेगेटिव में चलाया है, नेगेटिव में देखो गया है यहां से इधर से इस तरफ, तो नेगेटिव में गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, -5। समझ में आया, इसीलिए वेक्टर को हमेशा हम किससे दिखाते हैं, विथ साइन दिखाते हैं, ऑलवेज विथ साइन। और इसमें क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड। पल्ले पड़ रहा है, पक्का श्योर, अभी आगे और करेंगे तो आपको एकदम दिमाग खुल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। चलो, इसकी मतलब बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको तब समझा दूंगा, अभी के लिए आप इतना समझ के रखिए। अब हम आगे की बात करते हैं। अब मान लो ये वापस यहां से चला, और कहां जा रहा है, इस बार वापस वो पीछे जा रहा है, और कहां पहुंच गया, ओरिजिन, जहां पे था वहीं पे, और कितना कवर किया, 5 मीटर, इस डायरेक्शन में चल रहा है। ध्यान देना, यहां पे था, यहां से उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, उल्टा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब हमारा सवाल वापस वही है कि डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। सही जवाब है, यस यस, सही जवाब है आपका। सुनो, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिखा है, ओनली मैग्नीट्यूड। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप पॉजिटिव में गए कि नेगेटिव में गए, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कितना चले हो। तो 5 प्लस फिर 5 प्लस फिर 5 प्लस फिर 5, तो कितना हो गया टोटल, 20 मीटर। देखो वहां पर 20 मीटर। लेकिन अगर हम अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले वो गया था 5 मीटर पॉजिटिव में, फिर वो गया था 5 मीटर पॉजिटिव में, देखो, और अब की बार वो 5 मीटर कहां आया है, उल्टा नेगेटिव में, और 5 मीटर और उल्टा गया नेगेटिव में। तो आंसर कितना आ जाता है, 5 5 5 5 सब कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 0 मीटर। तो यस, यहां से ये टॉपिक खुलता है,
कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहता है और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है. डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं हमेशा इंक्रीज करे, वो डिक्रीज भी होता है. और कभी 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 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होते हैं. कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होते हैं. क्या आपन को मैंने देखो दो केस पढ़ाए हैं, ठीक है. सबसे पहला केस कि बराबर है, फिर दूसरे केस में मैंने क्या पढ़ाया कि डिस्टेंस 15 है, डिस्प्लेसमेंट 5, यहां पे 20, यहां पे 0. अब से एक सवाल मैं पूछता हूं, आपको सवाल का उस जवाब देना है, उसके बाद हम लेक्चर को समाप्त कर देंगे, ठीक है. कम पढ़ोगे एग्जैक्ट पढ़ोगे आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, सुनते रहो. सवाल यह है कि इस केस में मैंने बोला कि डिस्टेंस अलग पेन लेते हैं तो आपको और दिखेगा. एक केस में बोला, मान लेते इसको केस 1, इसको मान लेते हैं केस 2, इसको मान लेते हैं केस 3 और यह है केस 4, ठीक है. सवाल मेरा यह है कि केस 1 और 2 में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है. सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे आपके 11th के, ध्यान से सुनना ध्यान से समझना. दिख रहा है हमें जो कि 5 मीटर 5 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर गया. दूसरा यह है कि थर्ड वाले और फोर्थ वाले में डिस्टेंस बड़ा हो गया किससे, डिस्प्लेसमेंट से. डिस्टेंस बड़ा हो गया किससे, डिस्प्लेसमेंट से. मेरा सवाल यह है आपसे, क्या कभी कोई ऐसा केस बनेगा, क्या कभी कोई ऐसा केस बनेगा, मान लेते हैं केस एक्स, क्या कभी कोई ऐसा केस बनेगा जिसमें डिस्टेंस छोटा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से. क्या बनेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया और डिस्टेंस छोटा हो गया, कभी बन सकता है क्या? तो मेरे ख्याल से अब तक आपको जवाब आ चुका रहेगा, तो इट्स नेवर, कभी भी नहीं. ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बराबरी कर सकता है, बराबरी कर सकता है, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता. ध्यान रखिए ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है. ये छोटी छोटी बातें होती है, आप समझिए ध्यान से. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा. टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में अगर हमको समझाए तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू पाथ लेंथ, कैन बी इक्वल टू पाथ लेंथ. दिस पाथ लेंथ कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट पाथ लेंथ कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट. ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपका खुल गया यहीं पे. समझ में आया क्या हुआ इसमें, कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, कब किया, पल्ले पड़ा. श्योर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब होता रहेगा, ये सब हम आप नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है. आपको ये समझ में आ गया ना, उसके बाद तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड कुछ भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है. इसमें कंफ्यूजन होता ही होता है. अगर ये पल्ले पड़ गया ना, फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, 2 मिनट का काम है, मैं तुरंत खत्म कर दूंगा. समझ गए, इतना समझे, श्योर. चलो देख लो इतना अच्छे से. देख लिया, चलो नेक्स्ट वीडियो में वो चारों चीजें यूं खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. आपको खाली ये समझना था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या होता है, ये फर्क होता है, ठीक है. समझ गए, चलो आज के लिए इधर ही वाइंड अप करते हैं. बाकी वो जो चार चीजें हैं वो एकदम यूं खत्म हो जाएगी, तो तब खत्म कर लेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में. तो पढ़ते रहो एंड थैंक यू सो मच.